सोच कर देखो क्या हो अगर पूरी धरती का टेम्परेचर 100 डिग्री और बढ़ जाए, गर्मी इतनी हो जाए कि शूज के सोल भी पिघल जाए, इंसानों के बॉडी से स्किन गल जाए और ऐसी हालत में आपके पास ना पानी हो, ना बिजली हो और ना ही खाना। एक आइस क्यूब के लिए भी लोग मर मिटने को भी तैयार हैं। पानी की कीमत भी मिलियंस में हो गई है। यही हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहां इस महामारी में भी उसके पास अपना खुद का स्विमिंग पूल है और पूरे घर में एसी भी लगे हुए थे, क्योंकि प्रलय के आने से पहले उसने अपने लिए 10 जन्मों तक का स्टॉक पाइलिंग करके रखा था। वो क्राइसिस में पहले ही मर चुका था, लेकिन कुछ कारणों से वो टाइम में एक महीना पीछे आ गया और अब वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना चाहता है जो पिछली लाइफ में वो नहीं कर पाया था। इस लाइफ में उसके पास अपनी सारी स्टोरेज सेव करने के लिए एक इन्वेंटरी भी है, जैसे वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स के पास होती है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ लोग जो बस से कहीं जा रहे होते हैं, जहां दो लोग आपस में बात करते हैं कि पास की सारी रिवर का पानी एक ही साथ रातों रात कहीं गायब हो गया। इस सिचुएशन में आके अब एक आइस क्यूब की कीमत भी हजारों में पहुंच गई है। पीछे बैठा एक आदमी बोलता है, हजारों नहीं लाखों में, और शायद अब तो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई भी खत्म होने लगी है। लेकिन गवर्नमेंट पैनिक से बचाने के लिए ये न्यूज आगे स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। अब सब लोग ये बात करते हैं कि कैसे दुनिया में सब इक्वल है, और अगर अब ये दुनिया का अंत भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे बैठा सुचिन ये सोच रहा होता है कि अगर ये दुनिया का अंत नहीं भी है, तब भी ये दुनिया कभी भी इक्वल नहीं थी, और ये बात उसने बहुत करीब से एक्सपीरियंस की है। वो ऐसा इसीलिए बोल सकता है क्योंकि ये उसका दूसरा जन्म है, और वो भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। पता लगता है कि इतना टेम्परेचर में रैपिड राइज इसीलिए होने वाला है क्योंकि कुछ सोलर एनर्जी ब्लास्ट होने से अर्थ का कोर बड़ा हो गया है और अर्थ के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर भी सरफेस पर आ गए हैं। सुचिन बोलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और इस दुनिया में जीने के लिए सप्लाईज बहुत जरूरी है। सुचिन अब एक बस स्टॉप पर उतर जाता है। सुचिन एक सुपरमार्केट के सामने जाता है जहां वो काम किया करता था, और पिछली बार उसने अपनी सारी लाइफ बस सप्लाईज इकट्ठा करने में बिता दिए थे, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ है। वो अंदर जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम यहाँ का ओनर इस जगह को छोड़कर भाग गया था, इसका मतलब इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, और अगर ऐसा है तो अब ये सब कुछ मेरा है, जो कि उसके लाइफ टाइम के लिए तो एनफ है। इसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है जो उसे इस नेक्स्ट लाइफ में मिला था। इस बॉक्स में वो जितना चाहे उतना सप्लाई स्टोर रख सकता था। सभी सप्लाई को अपने बॉक्स में रखने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसका प्रीवियस बॉस वहां आ जाता है, जो अपने साथ दो और लोगों को लाता है। वो सुचिन से पूछता है कि उसका सारा सामान कहां गया, और उसके साथ ही उस पे अटैक भी करते हैं। सुचिन तुरंत एक 3 मीटर की लंबी जंप मारता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये इन्वेंटरी उसे हाई जंप पावर भी देता है, ताकि वो किसी भी तरह के सिचुएशन से एस्केप कर सकता है। साथ ही उसे कभी भी कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो इससे पोर्टल बनाकर टेलीपोर्ट भी कर सकता है। वहां से बाहर निकलते ही वो अपने फोन में लेटेस्ट न्यूज चेक करता है, जहां गवर्नमेंट सभी को पैनिक ना होने के लिए बोलती है, लेकिन सुचिन को पता होता है कि जल्द ही क्राइसिस आने वाली है और गवर्नमेंट सभी को पैनिक से बचाने के लिए ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर जी हैंग जियाओ क्विन नाम के किसी लड़की का कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, तुम बिना बताए बाहर कैसे जा सकते हो, ऊपर से तुमने घर अभी तक मेरे नाम नहीं किया है। सुचिन बोलता है उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, और अगर उसे उसका घर चाहिए तो वो ले ले। फिर लड़की बोलती है कि मैनेजर लू भी अभी यहीं है, तो वो जल्दी से यहाँ आ जाए ताकि घर को ट्रांसफर कर सके और वो दोनों शादी कर सके। सुचिन को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं था, और वो बोलता है कि वो कमर्शियल कैपिटल में आके उससे बात करेगा। फोन कटने के बाद उसके दिमाग में उसकी प्रीवियस लाइफ से जुड़ी कुछ मेमोरीज आती हैं। उसे याद आता है कि क्राइसिस के टाइम वो जिया और बाकी सब के साथ रहता था। यहाँ वो अपनी जंपिंग और कहीं भी आने जाने वाली एबिलिटी से वो हमेशा ही उन सब के लिए खाना लाया करता था, और ये खाना वो सबके साथ शेयर भी करता था। एक दिन जब वैंग हायू, जो कि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ का भाई है, और वो सप्लाई ढूंढने एक बिल्डिंग में जाते हैं, तभी एक म्यूटेंट मॉन्स्टर से उनका
का सामना होता है जो हायो को बहुत इंजर कर देता है। उसको बचाने के लिए वो अपने स्पेस बॉक्स से बैंडेजेस निकालता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब उन दोनों की चाल है ताकि वो दोनों सुचिन को मार सके और उसकी सारी सप्लाईज खुद रख सके। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वांग जियाओ का भाई नहीं बल्कि वो दोनों मिलकर सुचिन पर चीट कर रहे थे और उसे अपने रास्ते से हटाने की फिराक में थे। सुचिन को अब भी उनके फेसेस याद होते हैं कि कैसे उसको मरते हुए देख वो दोनों कितने खुश हो रहे थे और वो ये कसम खाता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है तो वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। और शायद भगवान ने उसकी ये विश सुन ली और इस जन्म में वो किसी को अपना फायदा उठाने नहीं देगा। वो अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है, लेकिन सारा अमाउंट हैंड टू हैंड मिलना चाहिए। इसके बाद सुचिन सेंट्रल सिटी जाता है जहां शियाओ उसका वेट कर रही है। शियाओ के साथ वैंग हायू भी था। वो सुचिन को डराते हुए पूछता है कि वो ये प्रॉपर्टी उसकी बहन से बिना पूछे कैसे बेच सकता है, लेकिन सुचिन कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी है, क्योंकि सुचिन वैंग हायू और शियाओ के रिलेशनशिप के बारे में सब जानता है और इस बार उनकी कोई चाल उस पर काम नहीं करेगी। वैंग हायू उसकी तरफ भागते हुए आता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी उसे उसकी बहन को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। वो सुचिन को मारने ही वाला था कि तभी सुचिन उसे बहुत बुरी तरह से पंच करता है। तब जियाओ वैंग को बचाने आती है लेकिन उसे भी थप्पड़ मारकर वो साइड कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो उठ भी नहीं पाता। सुचिन वैंग को वहीं छोड़कर जाने लगता है। शियाओ बोलती है कि उसका भाई मर रहा है। सुचिन उससे बोलता है कि उसका भाई अभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो चाहता तो कब का उसे मार देता, लेकिन अभी उसकी मौत आने में टाइम है। इतना बोलकर वो रियल स्टेट ऑफिस में जाने लगता है। पीछे से जियाओ चिल्लाती है कि अगर उसने अपनी इस हरकत के लिए अभी माफी नहीं मांगी तो वो उससे शादी नहीं करेगी और वो लाइफ टाइम सिंगल रहेगा। हालांकि सुचिन को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जियाओ और वैंग को घूरते हुए देखता है, जिससे डर के वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अंदर जाते ही मैनेजर लू उसका स्वागत काफी अच्छे से करता है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश भी होता है कि सुचिन एक पागल है जो अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख में बेच रहा है और आगे मैनेजर इस प्रॉपर्टी को किसी बड़ी कंपनी को बेच देगा ताकि वो 3 लाख खुद रख सके। सुचिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि सारा अमाउंट कैश में मिले, जिस पर मैनेजर भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि यहाँ उसका ही तो फायदा था। सुचिन उसके ऑफिस से बाहर आते हुए सोचता है कि कमर्शियल कैपिटल एक बहुत ही सेफ जगह है क्राइसिस से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्राइसिस के टाइम बाकी जगहों के मुकाबले नॉर्मल था और यहाँ कुछ टाइम तक कोई भी क्राइसिस नहीं आएगी, तो उसके पास काफी टाइम है अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए और सप्लाई इकट्ठा करने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। सुचिन एक लोन कंपनी का एड देखता है जो कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। वो बिना देर किए वहां जाता है। वहां वो लोन ऑफिस में जिस आदमी को देखता है उसका नाम वैंग दी हाई था। असल में ये उन्हीं कुछ लोगों में से एक था जो उसकी प्रीवियस लाइफ में उसके साथ रहता था, लेकिन तब सुचिन को ये पता नहीं था वो वैंग का भाई और क्राइसिस से पहले वो इतना रिच हुआ करता था। हालांकि देहाय उसे नहीं पहचान पाता। सुचिन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाकर बोलता है कि उसे इस प्रॉपर्टी पर लोन चाहिए। देहाय उसके प्रॉपर्टी के बेस पर उसको सिर्फ 5 लाख तक का ही लोन देता है। सुचिन उसको बोलता है कि 6 लाख पर डील करते हैं और वो ये पैसे जल्दी चुका देगा। मन ही मन वो ये भी सोचता है कि हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि लोन की डेट पूरी होने से पहले क्राइसिस आ जाएगी। दिहाय उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होके लोन देने को तैयार हो जाता है और पैसे ट्रांसफर भी कर देता है। पैसे लेकर सुचिन बिल्डिंग से बाहर आता है। वहीं पास में जियाओ और वैंग भी थे। वो सुचिन को बुरा भला बोल रहे होते हैं और वैंग बोलता है कि वो उसे मार देगा। शिया उससे बोलती है कि अगर वो उसे मार देगा तो वो दोनों उसकी प्रॉपर्टी कैसे ले पाएंगे। वो दोनों सुचिन को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी और वो अपने रास्ते चलता रहता है। सुचिन वहां से टैक्सी में बैठकर ग्रीन सिटी होटल जाने लगता है। ये होटल दुनिया का सबसे लग्जरी होटल था जो कि फ्यूचर में क्राइसिस से बचने के लिए कुछ सेफ जगहों में से एक था और इसका मेन कारण था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बनावट और यहां की ज्योग्राफी। सुचिन वहां एक वेट्रेस को रोकते हुए बोलता है कि उसे 1000 टेबल बुक्स करनी है। वेट्रेस ये सुनके चौंक जाती है और बोलती है कि वो ये टेबल कितनी प्राइसिंग पर ऑर्डर करना चाहेगा।
5K, 10K से लेकर उसके पास 1 लाख तक की टेबल बुकिंग है जो यहाँ की जा सकती है। सुचिन डायरेक्ट 1 लाख वाली टेबल बुक करता है जिससे वो बेट्रेस बहुत हैरान हो जाती है। सुचिन उसे 50 लाख एडवांस भी देता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज और पैसे की कोई कमी नहीं थी। वेट्रेस का नाम जिनरुई होता है जो उसे क्यूरियोसिटी से पूछती है कि उसे इतनी टेबल्स क्यों चाहिए और वो जवाब में बताता है कि उसे शादी करनी है। सुचिन जिन को एक अच्छा सा सूट तैयार करने को भी बोलता है। वेट्रेस काफी खुश होती है कि उसके होटल में कोई इतना अमीर बंदा आया है। वो सुचिन को उसकी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि जो भी उससे शादी कर रही है वो काफी लकी होगी। सुचिन भी बोलता है कि वो भी बहुत लकी है कि उसकी शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से होने वाली है। असल में ये सब किसी वेडिंग के लिए नहीं बल्कि वो क्राइसिस में खुद को बचाने के लिए इंतजाम कर रहा था ताकि जब क्राइसिस आए तब वो किसी की भी मजबूरी का फायदा उठा सके। सुचिन सारी बुकिंग की जिम्मेदारी वेट्रेस को दे के वहाँ से चला जाता है। जियाओ और वैंग जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं वेट्रेस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि सुचिन यहाँ क्यों आया था। वो उनसे पूछती है कि वो कौन है। बदले में शियाओ बताती है कि वो सुचिन की गर्लफ्रेंड है। वेट्रेस मन में सोचती है कि इससे सुंदर तो वो खुद है और ना जाने सुचिन ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि मिस्टर शू ने अपने लिए 1000 टेबल बुकिंग की है जिनकी टोटल प्राइसिंग 1 करोड़ है और शायद वो जल्द ही शियाओ से शादी करने वाले है। ये सुनकर शियाओ बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है और वैंग तो बिल्कुल शांत ही पड़ जाता है। वो दोनों इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं लेकिन जियाओ को अचानक खुद पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो अब 1 करोड़पति आदमी से शादी करने जा रही है और उसका स्टेटस भी अब बढ़ने वाला है। लेकिन वैंग को अब भी नहीं समझ आ रहा होता है कि ये सब कैसे होने वाला है। दूसरी तरफ सुचिन जो अपने रीसेंट खर्चों और लोन के बाद देखता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 8 लाख ही बचे हैं। उसके पहचान में जितने भी बैंक थे वो वहाँ से लोन ले चुका था लेकिन अभी भी काफी ऐसी चीजें थी जिसके लिए पैसे पूरे नहीं थे। तभी उसे एक आइडिया आता है। इस बार वो ऑनलाइन बैंक से लोन लेता है। यहाँ सुचिन अलग अलग बैंक के ऐप को अपने फोन में प्रोफाइल बनाता है और उनसे लोन लेता है और करीब 97 लाख का लोन ले लेता है। शाम को वो बिना कोई देरी किए अपने लिए फायर प्रूफ सूट और आइसक्रीम मशीन ऑर्डर करता है। इन दोनों चीजों की मदद से वो कितनी भी गर्मी को झेल सकता है। फायर सूट तो उसके घर पर ही डिलीवर हो जाएगी लेकिन आइसक्रीम मशीन के लिए उसे खुद कंपनी में विजिट करना होगा। फायर सूट के लिए उसे 5 लाख पे करने होते हैं जो वो तुरंत पे कर देता है। अगले दिन वो आइस फैक्ट्री जाने लगता है। रास्ते में उसे जियाओ और जियाओ की बेस्ट फ्रेंड ली मिलती है जो एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और जियाओ को सुचिन के घर बेचने का आइडिया भी इसी लड़की का था। सुचिन को दोनों में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका हिसाब वो बाद में करेगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ डेट पर जाने को पूछती है जिस पर सुचिन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ली जिया से पूछती है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, जिस पर वो बताती है कि सुचिन एक बिलियनियर है। ली उसकी बात पे यकीन नहीं करती जिस पर शिया उसका पीछा करने का आइडिया देती है ताकि वो देख सके कि वो अभी कहां जा रहा है। इसके बाद दोनों टैक्सी में बैठकर सुचिन को फॉलो करती हैं। सुचिन जाके वहां के ओनर से मिलता है जिसे वो बताता है कि उसे 200 टन आइस चाहिए। ओनर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि वो लोग 3 दिन में सारी आइस बना देंगे और डिलीवर भी कर देंगे, साथ ही अगर सुचिन उसका रेगुलर कस्टमर बनता है तो वो उसे डिस्काउंट भी देंगे। सुचिन उसे ऑर्डर के 10 लाख पे करता है और टैक्सी में जाने लगता है। आइस ओनर पूछता है कि उसे ये आइस किस काम के लिए चाहिए तो वो बोलता है अलास्का में पानी की कमी है तो ये आइस वो वहाँ डोनेट करेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जियाओ और लू वहाँ आती है जो ओनर से पूछती है कि सुचिन वहाँ क्यों आया था, जिस पर वो पूछता है कि इन सब से उसका क्या काम है। वो बताती है कि जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। ओनर को उसकी बात पर थोड़ा शक होता है लेकिन वो बताता है कि मिस्टर सू वहाँ 200 टन आइस लेने आए थे जिसके लिए उन्होंने 10 लाख की पेमेंट भी की है। वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं लेकिन एक चीज जो दोनों को समझ आ जाती है कि सुचिन काफी अमीर है। इसके बाद सुचिन एक जाने माने लोकल रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी आने का भी सोच नहीं सकता था क्योंकि उसे अपनी नौकरी और
गर्लफ्रेंड की चिंता बनी रहती थी और इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस बार वो खुद इंजॉय करेगा। इसके बाद वो ऑर्डर करने के लिए मेन्यू उठाता है। यहाँ की डिशेस भी काफी फैंसी थी, लेकिन लास्ट पेज पर एक डिश का प्राइस होता है पर फोटो नहीं। वो वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ डिश की जगह क्वेश्चन मार्क की फोटो क्यों है। वो बताती है ये उनके रेस्टोरेंट की फेमस एक्सपेंसिव डिश है। सुचिन बिना कुछ सोचे ये डिश ऑर्डर कर देता है। वेट्रेस थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन वो अरेंज करने को बोलकर चली जाती है। जब तक डिश आती है तब तक सुचिन वहां पर रखी एक बुक पढ़ता है जिसमें एक मिथिकल बीस्ट का जिक्र था जो काफी हद तक ड्रैगन और स्नेक का म्यूटेंट लगता है। इसका नाम स्क्रीमिंग सर्पेंट था और ये उसी म्यूटेंट की तरह भी दिखता था जिसने प्रीवियस लाइफ में उसकी जान ली थी। वो बुक को आगे पढ़ ही रहा होता है तभी वो देखता है एक सुंदर सी वेट्रेस जो काफी स्लिम और अट्रैक्टिव थी उसके लिए उसका ऑर्डर लाती है। सुचिन भी उसे देखकर थोड़ी देर हैरान था, इसीलिए नहीं कि वो सुंदर थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़की अभी एक जानी मानी शेफ थी जिसका नाम दुआनिया था, लेकिन फ्यूचर में इसका नाम होता है हेल शेफ। इसके खाना बनाने के सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये हेल की तरह इंसानों को नहीं बल्कि मिथिकल बीस्ट को खाने की तरह बनाकर खाती थी, लेकिन उसकी बनाई डिश हमेशा टेस्टी होती थी, ऐसा उसने लोगों से सुना था। सुचिन को ऐसा देखकर वो समझती है कि शायद उसकी ब्यूटी देखकर वो फ्लैट हो गया है, लेकिन वो उससे मजाक में बोलती है कि इस खाने में जहर नहीं है जो वो इतना सोच रहा है। ये उनके रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश भी है और अपनी डिश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। सुचिन भी डिश ट्राई करता है और उसे भी ये काफी अच्छी लगती है। दुआनिया भी उसे उसकी डिश के बारे में बताती रहती है। दूसरी तरफ अब जिया और ली सुचिन को देखते हैं कि वो दुआनिया की डिश खा रहा था जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 10K होती है, लेकिन जियाओ इस बार इससे सरप्राइज नहीं होती और बोलती है कि ये उसका फ्यूचर हस्बैंड है, इसका मतलब कि वो भी फ्यूचर में ये सब एंजॉय करने वाली है। इसके बाद वो एक कसीनो में जाता है जो यहां का सबसे फेमस कसीनो था। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक बहुत रिच लड़का वहां जाके इतनी ड्रिंक ऑर्डर करता है कि इतना पैसा देकर बारटेंडर अगले दिन ही जॉब रिजाइन कर देता है क्योंकि अब उसे इस जॉब की जरूरत नहीं थी। सुचिन भी डिसाइड करता है कि आज की शाम वो यही गुजारेगा और अपने लिए एक 50K की टेबल बुक कर लेता है। वो देखता है कि पूरा कसीनो लोगों से भरा हुआ है। वो अपनी टेबल पर जाके ड्रिंक कर रहा होता है जहां उसे कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां ज्वाइन करने के लिए पूछती है। सुचिन भी मान जाता है। अब उसकी टेबल पर 3 लड़कियां थी जिनमें से 2 उसके पैसे देखकर वहां आई थी। सुचिन नोटिस करता है कि एक लड़की इतनी बड़ी पार्टी में भी चुपचाप बैठी थी। दूसरी लड़की बताती है कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने से मना कर दिया। वो लड़की सुचिन को पूछती है कि क्या लड़कों के लिए ये सब इतना जरूरी है, जिस पर वो बताता है कि सभी मैच्योर होते भी हैं और नहीं भी। ये सुनकर वो लड़की सुचिन की ड्रिंक लेके पूरी एक शॉट में पी जाती है। वो लड़की अल्कोहल के साइड इफेक्ट से सुचिन पर ही फ्लर्ट करने लगती है। जियाओ और ली भी वहां आती है जो बोलती है कि शायद सुचिन जियाओ पर चीट कर रहा है। तभी सुचिन उस लड़की का हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाता है और उसका सारा नशा उतारने के बाद वो उससे बोलता है कि उसकी इस हालत में उसे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए और कुछ टाइम अपने घर पर ही रहना चाहिए। फिर वो उस लड़की को वहीं छोड़कर अपनी पार्टी को बीच में छोड़कर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी के दौरान उसने काफी चीजें ऑर्डर करी थी जो अब एक एक करके आने लगती है, जिसमें कुछ ट्रक आइस क्यूब, एक ट्रक फायर प्रूफ सूट्स थे। सभी डिलीवरी बॉयज सुचिन से पूछते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ ड्रॉप करें। वो बिना कुछ देखे बोलता है कि मेरे वेयर हाउस में, जिसके बाद उसके वेयर हाउस के बाहर काफी भीड़ आ जाती है सुचिन के ऑर्डर को देखने के लिए। तभी वैंग भी आ जाता है जो सारी चीजों को देखकर जियाओ से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो सभी देखते हैं कि सुचिन अपने वेयर हाउस पर ही अपना सूट पहनकर साइज चेक कर रहा होता है और उसकी ऑर्डर हुई सारी चीजें वहां पर भी आ जाती है। जियाओ सुचिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि ये सब वो यहां क्या कर रहे हैं। सुचिन बोलता है कि ये सब बाद में बताएगा, लेकिन क्या वो वर्कर्स की हेल्प कर सकती है सारी चीजों को नीचे उतारने में। जियाओ को लगता है कि सुचिन मजाक कर रहा है, ये अपनी ही वेडिंग के लिए ये सारा काम खुद क्यों करेगी। जैसे ही जियाओ मना करने वाली होती है, ली उसके कान में बोलती है कि हो सकता है ये उसके लिए टेस्ट हो और उसके मना करने से सुचिन को बुरा लग जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब ली भी सुचिन की नजरों में आने के लिए काम करने लगती है, लेकिन सुचिन उसे कुछ खास भाव नहीं देता। अब वो दोनों भी सुचिन के दिल जीतने के लिए सभी वर्कर्स की हेल्प करने लगती है। सुचिन उन्हें एक नजर देखता है,
फिर इग्नोर कर देता है। यहाँ सारा सामान अनलोड होने के बाद सुचिन सभी वर्कर्स को थैंक्स बोलता है उनकी मेहनत के लिए और एक एनवलप देता है जिसमें 10K रुपीज थे उनकी सर्विस चार्ज के लिए। जियाओ सुचिन के पास आती है और उसे वेडिंग प्रपोजल के लिए बात करती है, लेकिन सुचिन कुछ भी ना समझ पाने का नाटक करता है। वो उसे बताता है कि उसको ये बात किसने बोली कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और सुचिन कोई रिच आदमी है, ये सारा सामान उसके बॉस का है जो शॉपिंग मार्केट चलाता है। और सुचिन को बस ये अनलोड करने को बोला गया था क्योंकि ये उसके बॉस की वेडिंग के लिए है ना कि सुचिन के। और रही बात उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने की, वो सारे पैसे उसने लोन लेके खर्च किए हैं और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये बात सुन के वैंग, जियाओ, ली तीनों को जोर का झटका लगता है। जियाओ गुस्से में सुचिन के पास जाके बोलती है उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो एक अमीर आदमी है, और उस पे अटैक करने लग जाती है, लेकिन सुचिन उसे डॉज करता है। जैसे ही वो नीचे गिर जाती है वो उसे बताता है कि उसने तो कभी इस बारे में उससे बात तक नहीं की है, तो उसने झूठ कब बोला। सुचिन उसे एक बहुत ही कोल्ड लुक देता है और जाते जाते अपने मन में सोचता है कि अब तक उसने कुछ किया ही नहीं, एक बार क्राइसिस के आते ही वो उन सभी को मजा चखाएगा जिसने उसके साथ गलत किया था और उसका भरोसा भी तोड़ा था, खास करके जियाओ को। वो मौत का नजारा उसे धीरे धीरे करके दिखाएगा। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिया होटल ग्रीन सिटी में होती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड वैंग को जो कि डिहाई का भाई था उसके साथ होती है। वो लोग आपस में अपने स्टेटस को लेके बात कर रहे होते हैं। जियाओ को लगता है कि वो अब फाइनली अमीर हो सकती है और मन ही मन खुश हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में सुशिन भी था जो अपना डिनर कर रहा होता है। वैंग भी उसे देख लेता है और डिहाई को बोलता है कि बिग ब्रो ये वही लड़का है जिसने मुझे उस दिन मारा था। दिहाई सुचिन को पहचान कर बताता है कि उसने उससे अभी अपने घर के लिए लोन लिया है और अब उसका लोन चुकाने का टाइम भी खत्म हो गया है। जियाओ और ली भी उसको देखकर शिकायत करने लगती है कि उसने उन्हें भी काफी मेंटल टॉर्चर दिया है। दिहाई सुचिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि कल सारे पैसे लेके वो उसके ऑफिस आ जाए। सुचिन कुछ जवाब नहीं देता। पीछे से वैंग बोलता है कि आप इससे बात करके अपने वर्ड्स वेस्ट मत करिए, मुझे चांस दो, मैं इसे सही मजा चखाऊंगा। तभी उसी होटल की वेट्रेस वहां आ जाती है जो कस्टमर्स को शांत होने को बोलती है। दिहाई बोलता है कि अगर सुचिन उसके भाई से माफी मांग लेगा तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। वेट्रेस सुचिन की तरफ देखने लगती है। सुचिन कहता है कि वो किसी से नहीं डरता और माफी नहीं मांगेगा। इस बात पर दिहाई को गुस्सा आता है, लेकिन उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए पीछे से एक आदमी ब्लैक सूट और अपने कुछ बदमाश लोगों को लेकर वहां आता है। इस बार उस आदमी को देखकर दिहाई भी शांत हो जाता है और डर के मारे उस आदमी की जी हुजूरी करने लगता है। इस आदमी को देखकर सुचिन भी थोड़ा शांत था क्योंकि उसे याद था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में ये आदमी दुआनिया दी हेल कुक के लेवल का था, और लास्ट टाइम जब म्यूटेंट मॉन्स्टर दिखने शुरू हुए थे उन्हें जान से मारने वाले कुछ लोगों में ये भी शामिल था। और इनिशियली जिन जगहों पर वो दिखे उनमें से होटल ग्रीन सिटी भी एक था, इसीलिए इस लाइफ में उसने इस होटल को सबसे सेफ माना क्योंकि वो म्यूटेंट्स भी यहाँ का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए थे। अब उसे लगता है कि शायद गांव का इन बातों से कोई कनेक्शन है क्योंकि इस लाइफ टाइम में भी वो उसे यही मिला है। सुचिन तुरंत ही समझ जाता है कि इन बातों का एक मतलब है कि वो टाइम आ गया है। गांव उसे देखता है लेकिन सुचिन उससे काफी डेडली लुक्स देता है जिससे गांव को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव दुआनिया को बुलाता है और उसके साथ ड्रिंक करता है। दूसरी तरफ सुचिन बालकनी से ये सोच रहा होता है कि अपनी लास्ट लाइफ में क्राइसिस से बचाने के लिए वो जियाओ के साथ बेसमेंट में छुप गया था, लेकिन फिर भी उसने उसे मरवा दिया था। लेकिन इस लाइफ में उल्टा सुचिन ने उसे छोड़ दिया है, और जबकि वो टाइम आने वाला है तो वो सभी चीजों का बदला चुन चुन के लेगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि बीच पर काफी लोग मून को देख रहे हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा ब्राइट लग रहा है। जियाओ और वैंग मून को देखकर अपने लव की बात कर रहे होते हैं। उन्हें फील होता है कि मून से सन जैसी हीट आ रही है, और देखते ही देखते मून एक सन की तरह लगने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं क्योंकि उसकी हीट अब उनसे सही नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में सुचिन समझ जाता है कि ये क्राइसिस की शुरुआत है जिसका ये फर्स्ट स्टेप है। ये मून
जिसे बोलते हैं इटर्नल डे लाइट। वो इस क्राइसिस का वेलकम करते हुए वाइन पीता है। दूसरी तरफ होटल में सभी लोग कर्टन्स गिरा देते हैं और 20 से सभी लोग भाग के लॉबी में इकट्ठा होते हैं। यहाँ उनकी बॉडी का बुरा हाल था और सभी लोग पानी ढूंढने के चक्कर में फिश टैंक में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वैंग नोटिस करता है कि दिहाई अभी भी बाहर ही है। इतने टाइम में दिहाई अंदर आता है, लेकिन उसकी स्किन बुरी तरह से बर्न हो चुकी थी। वो लोग उसे लॉबी में बैठाते हैं। इतने टाइम में होटल में गाव दुआनिया को ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे वो नहीं पीना चाहती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि इसमें जहर होगा। यहाँ भी अब उन्हें गर्मी लगने लगती है और वो लोग कर्टन गिरा देते हैं और लॉबी में जाके इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दुआनिया भी वाइन पीने से बच जाती है और नीचे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी लोग पैनिक करते हैं। होटल वेट्रेस उन्हें बताती है कि रेस्क्यू टीम यहाँ जल्द ही आने वाली है, लेकिन वहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। गाव भी अपने एक आदमी को उसके ड्राइवर को फोन करके बुलाने को बोलता है क्योंकि वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। उसका ड्राइवर फोन उठाते ही बोलता है कि बाहर का हाल बहुत बुरा है और वो लोग जहाँ भी हैं वहीं रहे, वो जल्द ही उन्हें लेने आ रहा है। इसके बाद फोन करता है और उसका ड्राइवर अपनी कार को पार्किंग से निकालकर बाहर लेके जाता है, लेकिन बाहर जाते ही उसे अपने फैसले पर रिग्रेट होता है क्योंकि उसकी कार के टायर गर्मी से फट जाते हैं। वो गांव को फोन लगा के ये बताता है और बोलता है कि उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहा है। इतना बोलकर वो फोन काट ही रहा था कि उसके शूज की 2 इंच की सोल भी गर्मी से गल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। फोन की दूसरी साइड से सभी को कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा रोड से ग्लू की तरह चिपक जाता है। इतने में हमें सुचिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने रूम में एसी को 25 पर सेट करके सो रहा था और उसे बाहर की कोई चीज से कोई मतलब भी नहीं था। लास्ट लाइफ में उसने ये सब देखा हुआ था और इस लाइफ में उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन सभी लोगों को लगता है कि कम से कम जब तक पावर कट नहीं होता वो लोग सेफ हैं, लेकिन कहते हैं ना, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। जल्द ही सारे पावर हाउसेस भी ओवरहीट होके फट जाते हैं और पूरे शहर में लाइट कट जाती है। दिहाई लॉबी में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इतने में जियाओ को याद आता है कि सुचिन के रूम में एक स्विमिंग पूल है। सब लोग इतना सुनते ही रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ हम सुचिन को देखते हैं जो अपने स्विमिंग पूल में आराम से स्विम कर रहा था और पावर के बैकअप में उसके आसपास अपना खुद का जनरेटर भी था, जिससे वो आराम से अपने एसी रूम में बैठकर चिल बियर पी रहा था। उसके पास 2 बड़े आइस क्यूब भी थे जो कि इस वर्ल्ड में अब एक सपने की तरह है। वो अपने लंच की शुरुआत करता है, लेकिन तभी कोई उसके डोर को जोर से पीटता है। वो समझ जाता है कि कोई सही इरादे लेकर यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन वो गेट को ओपन करता है। ओपन करते ही सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। उन्हें स्वर्ग का एहसास होता है। सबसे आगे दिहाय होता है जो देखता है कि उसके पास आइस क्यूब्स भी हैं। वो जबरदस्ती रूम में एंटर करता है और बोलता है कि सुचिन ने जो उससे 6 लाख लोन लिए हैं उसके इंटरेस्ट के तौर पर वो ये रूम ले रहा है, और सभी लोग जबरदस्ती रूम में एंटर करने लगते हैं। सुचिन भी उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और गन से उसके पेट को शॉट करता है, लेकिन बुलेट उसे छू कर निकल जाती है। सभी लोग पैनिक करते हैं, लेकिन सुचिन बोलता है कि वो सभी को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, अभी तो क्राइसिस की शुरुआत हुई है। दिहाई उसको फिर से फायर करने से मना करता है और बोलता है कि वो गोली ना चलाए और वो वहां से जा रहा है, लेकिन सुचिन फिर से उसे उसके थाई पर शूट करता है और बोलता है कि अगर जाना हो तो जाए, लेकिन बिना कुछ बोले। दूसरी तरफ गांव होटल लॉबी में होता है, जहां वो वेट्रेस को बोलता है कि उसके लिए 10 दिन का खाना तैयार करे और एसी रूम भी बुक करे, लेकिन वो बताती है कि सारा खाना एक ही आदमी ने बुक कर लिया है और होटल का जो सबसे सेफ रूम है वो भी उसके पास है। होटल में फिलहाल कुछ ही दिनों का खाना अवेलेबल है। गांव उसे सारा बचा हुआ खाना लाने को बोलता है। उसकी बात से वहां कोई एग्री नहीं करता है कि सारा बचा हुआ खाना वो अकेले नहीं रख सकता है, उसे ये सब शेयर करना होगा, और अगर वो ज्यादा ही अमीर है तो अपने घर जाए, ये पैसे वहाँ यूज करे, यहाँ नहीं। लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनता और सबको धमकी देकर चुप करा देता है। तभी यहाँ पे दिहाई आता है जिसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था
और वो गांव को सब कुछ बताकर बेहोश हो जाता है। यहाँ जियाओ भी गांव को बताती है कि सुचिन के पास कुछ आइस ब्लॉक के ट्रक भी थे जिनको उसने अपने वेयर हाउस में रखा था और बोला था कि ये उसके बॉस के लिए है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था और उसने सब कुछ अपने पास ही रखा है। ये बात सुन के कि उसके पास AC, चिल्ड बियर और बाकी सारे चीजें हैं, इस बार कुछ नए लोग भी उसके रूम की तरफ जाते हैं। सुचिन अपने डोर पर ही था और उसके रूम से आ रही ठंडी हवा से वहाँ सबको सुकून मिलता है, लेकिन सुचिन किसी को भी वहाँ खड़े रहने तक से मना कर देता है। एक मोटा सा आदमी देखता है कि उसके पास फ्राइड चिकन भी है। ये देखकर वो चुपके से रूम में एंटर करने की सोचता है, लेकिन सुचिन उसे लात मार के साइड कर देता है। ये देखकर भीड़ एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन तभी कोई देखता है कि सुचिन ने फिर से किसी को भीड़ में रैंडमली शूट कर दिया है, जिससे सब लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। वैंग बोलता है कि अगर वो उन्हें रूम में एंटर करने देगा तो वो जियाओ से उसकी शादी करा देगा, लेकिन सुचिन बिना कुछ सोचे उसे भी किक करके वहाँ से भागने कहता है। वो लोग वापस लॉबी में आते हैं। अब तक रेस्क्यू टीम आ जाती है जिनके पास फायर प्रोटेक्शन सूट्स थे। एक सीनियर ऑफिसर सभी लोगों को बिना पैनिक हुए एक एक करके सूट पहनाते हुए बाहर जाने को बोलता है, लेकिन दीहाय वहां आता है और बोलता है कि सबसे पहले वो रेस्क्यू टीम के साथ जाएगा, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बताता है रेस्क्यू सबका होगा, वो अपने नंबर का वेट करे। जियाओ अचानक से एक ऑफिसर को बोलती है कि एक खूनी ऊपर बैठा है जिसने कुछ लोगों को मार दिया है और उसका रेप करने की कोशिश भी की है। ये सुनकर एक ऑफिसर अपना सूट उतारता है, उसका नाम फेंग था। वो बोलता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा और बाकी सब लोग ये जगह खाली कर दे, लेकिन जियाओ वहीं रुक जाती है ताकि सुचिन के अरेस्ट होने के बाद वो वहाँ रह सके। फेंग धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई बैटरी कैमरा की हेल्प से उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है। इतने में सुचिन रूम के एक लाइट बॉम्ब लगाता है जिससे फेंग को कुछ नजर नहीं आता, और दूसरी बार एक टियर बॉम्ब जिससे बचने के लिए वो अपने फेस को कवर करता है, लेकिन सुचिन पीछे से उसके सर पर वार करता है। फेंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गन और लाइसेंस सुचिन के पास है जिसने उसे एक चेयर पर बांध दिया है, लेकिन फेंग को वहाँ ठंड भी लगता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके पास अपना खुद का एक AC भी है। उसके होश में आने के बाद सुचिन बोलता है कि क्या गवर्नमेंट सभी लोगों को रेस्क्यू सेंटर तक खुद लेके जाएगी या रास्ते में छोड़ देगी, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट है ही नहीं कि वो सबको रेस्क्यू कर सके। फेंग बुरी तरह से चौंक जाता है कि सुचिन को ये सब बातें कैसे पता है, क्योंकि ये बात अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल तक को नहीं पता है। सुचिन को ये सब पता था क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। सुचिन उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि फेंग एक अच्छा आदमी है जिसने उसकी प्रीवियस लाइफ में हेल्प की थी। फेंग सुचिन को बोलता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है कि फेंग बाहर जाके सबको बता देगा। सुचिन उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि उसके पास एक सीलिंग मशीन गन थी जो उसने मिडिल ईस्ट से ऑर्डर की थी। वो फेंग को उसकी मशीन गन के अलावा सब कुछ दे देता है और फेंग भी चुपचाप जाके रेस्क्यू में बैठ जाता है और रेस्क्यू मिशन को कंटिन्यू रखता है। नीचे हम देखते हैं कि गर्मी के मारे अब दिहाय गांव पर भी चिल्लाने लगता है कि उसके इतने पैसे और पावर का कोई फायदा नहीं है अगर वो उनको रेस्क्यू में भी हेल्प ना कर सके। गांव दिहाय से दूर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से बात करता है कि वो यहाँ सेफ्टी से कैसे निकल सकते हैं। तभी सुचिन उन्हें साइड में बुलाकर क्यूब्स की एक पूरी बकेट दिखाते हुए बोलता है कि अगर वो दोनों उसका कहना मानेंगे तो उन्हें आइस क्यूब्स दे देगा। गांव का असिस्टेंट इससे मना करने वाला होता है कि तभी सुचिन उसके गर्दन पर गन लगा देता है। गांव उसे शांत होने को बोलकर ऑफर सुनता है। सुचिन बताता है कि अब ये सिचुएशन और खराब होने वाली है और वो चाहता है कि जियाओ, ली और वैंग रेस्क्यू ऑफिसर्स के साथ ना जाए। वो नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी मर जाए। गांव उसकी बात मान लेता है कि वो किसी भी हालत में उन तीनों को बाहर जाने नहीं देगा। बदले में सुचिन भी उन्हें आइस क्यूब्स दे देता है। वो दोनों आइस क्यूब से खुद को ठंडा कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि सुचिन का भरोसा जीतते ही वो उसे मार देंगे और उसका रूम खुद ले लेंगे। तभी दीहाय उन्हें आइस क्यूब के साथ देख लेता है और उनसे आइस क्यूब्स लेके फिर से बुरा बुरा बोलने लगता है, साथ ही दुआनिया के साथ भी गलत तरह से बिहेव करता है। लेकिन अब गांव उसकी एक नहीं चलने देता और उसे मार पीट कर साइड कर देता है। यहाँ वो आइस क्यूब्स का पानी पी रहा होता है
और उसे अब सुशीन की बात याद आती है कि सिचुएशन अभी और खराब होने वाली है और गाओ भी ये फील कर पाता है। साथ ही वो जियाओ और ली को कुछ आइस क्यूब्स देता है ताकि वो उसकी बात मान सके। अगले सीन में सभी ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से ब्लैंकेट्स लेके रेस्क्यू सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। पैरों में रबर शूज की जगह वो वुडन शूज पहन लेते हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर उनकी सोच से ज्यादा था। वो सभी लोग चलते रहते हैं, साथ ही उन्हें बॉडी में भी एक अलग तरह की हीट महसूस होती है। एक ओल्ड लेडी रास्ते में गिर जाती है, लेकिन रोड इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाती और उसकी स्किन भी रोड में चिपक जाती है। इस टाइम तक सभी लोगों के लिए किसी दूसरे के लाइफ से ज्यादा अपनी लाइफ प्यारी थी। कोई भी दूसरे पर ध्यान नहीं देता, बस अपनी डेस्टिनेशन पर जाने को तैयार थे। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी दुश्मन हीट थी। कई लोग तो इस हीट से डिकम्पोज तक हो गए थे। यहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं जिनकी बॉडी हीट से जल गई थी, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। जियाओ और ली भी अब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन गांव का असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए बोलता है कि गांव ने उनके ऊपर एहसान किया था जिसका बदला उन लोगों को यहीं रहकर चुकाना होगा। सुचिन ये तमाशा ऊपर से देख रहा होता है। वो देखता है कि दो लोग जो पूरी तरह से जल गए हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं, वो होटल के अंदर आ रहे हैं। उसे याद आता है कि ये सनलाइट सिर्फ लोगों को जलाती नहीं बल्कि उन्हें मॉन्स्टर भी बना देती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अंदर आने लगते हैं और किसी के रोके नहीं रुकते। यहाँ गांव उनसे बचने के लिए अपने एक आदमी को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो आदमी वहीं जल जाता है। यहाँ सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हुए भागने को तैयार थे कि तभी सुचिन वहाँ आयरन लॉर्ड लेके आता है, जिसे देखकर गांव बोलता है कि आप जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को मार दो। लेकिन मन ही मन वो प्लान करता है कि उसके मॉन्स्टर को मारते ही वो लोग सुचिन को भी मार देंगे। यहाँ सुचिन खुद से बोलता है कि उसकी पिछली लाइफ में इन दोनों मॉन्स्टर्स को गांव ने मारा था और वो उस लाइफ का सबसे पहला आदमी था जिसने किसी मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सुचिन अपनी पूरी पावर से उन मॉन्स्टर से लड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि ये मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर नहीं है और सिर्फ एक ही अटैक से मर जाएंगे। वो एक मॉन्स्टर के सर को बीच से काट देता है और उसको मारने से सुचिन को एक क्रिस्टल मिलता है। वो एक्सट्रीम पावर स्टोन था। वो स्टोन को लेके और दूसरे मॉन्स्टर को बिना मारे सिर्फ बेहोश करके वहां से जाने लगता है। गांव बोलता है कि आप इसे भी मार दो, लेकिन सुचिन ऐसा नहीं करता और अपने रूम में जाने लगता है। अपने रूम में जाने के बाद वो पहले तो क्रिस्टल को पानी से सही से साफ करता है, फिर बाद में अपनी वाइन में क्रिस्टल को डाल के पी जाता है। वाइन पीते ही उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खुद को ठंडा रखने के लिए वो आइस क्यूब्स पर लेट जाता है, लेकिन उसकी हीट से आइस क्यूब्स भी बहुत जल्दी पिघल जाती है। करीब आधे घंटे के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से जल चुके हैं। दूसरी तरफ लॉबी में गांव दूसरे बचे मॉन्स्टर को पानी की बॉटल फेंक कर मारता है, लेकिन उसकी बॉडी हीट इतनी ज्यादा थी कि बॉटल पिघल जाती है। वो उसके सिर पर भी काफी वार करते हैं ताकि वो मर जाए। ये सब चल ही रहा होता है कि पीछे से जियाओ और ली वहां से भागने की तैयारी में होते हैं, लेकिन गांव का असिस्टेंट उन्हें पकड़ लेता है। वो उन दोनों को बोलता है कि उनका पानी अब खत्म हो चुका है, सारा पानी अब सिर्फ सुचिन के पास है। अगर वो दोनों भाग गई तो सुचिन उन्हें कुछ भी नहीं देगा। इस पर ली बोल पड़ती है कि शियाओ सुचिन की गर्लफ्रेंड है, अगर वो लोग शियाओ को मारने की धमकी देंगे तो सुचिन उन्हें पक्का पानी दे देगा। ये सुनकर जियाओ को ली पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है उसने जियाओ को धोखा दिया है। गांव उनके बीच आता है और बोलता है कि अगर ये सच है तो शियाओ को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। शियाओ उनको बोलती है कि अगर वो सबकी हेल्प करेगी तो बदले में उसे मीट चाहिए। गांव शियाओ को एक नाइफ देता है और ली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर उसे मीट इतना ही प्यारा है तो वो खुद ले ले। जियाओ उसे नाइफ ले लेती है और ली की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर ली जियाओ को बोलती है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन जियाओ बोलती है कि उसने उसकी दोस्ती देख ली है, लेकिन अब सिर्फ उसे मीट चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखते ही देखते जियाओ ली को नाइफ से बार बार अटैक करके मार देती है। गांव को ये समझ आता है कि भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकती और दुआनिया को बोलता है कि वो ली के बॉडी को कुक करे। जिसके बाद हमें सुचिन का सीन दिखाया जाता है जहां अब वो रिकवर हो गया था और उसकी बॉडी में अब बहुत पावर आ चुकी थी। उसकी फिजिकल पावर किसी भी एवरेज इंसान से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में ये पावर गांव को मिली थी, जिससे उसे बिजर्कर का नाम मिला था।
वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि वो कैमरा पर धुआनिया को देखता है जो उसके रूम के बाहर थी। सुचिन गेट ओपन करता है लेकिन कपड़े पहनना भूल जाता है। धुआनिया अंदर जाती है लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड होने की वजह से वो थोड़ा शर्मा जाती है। सुचिन को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में धुआनिया एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जो हमेशा गांव के साथ रहती थी। धुआनिया सुचिन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए काफी काम आएगी क्योंकि वो एक कुक के साथ साथ एक डॉक्टर भी है, तो उसकी हेल्प के बदले वो उसे उसके साथ रहने दे। सुचिन भी मान जाता है लेकिन वो उसे वॉर्न करता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो सुचिन के तरीकों से रहना होगा। वो एग्री कर जाती है। सुचिन उसे सबसे पहले शावर यूज करके ड्रेसअप होने बोलता है। धुआनिया शावर में सोचती है कि यहाँ उसके पास सब है, आइस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डीमन से प्रोटेक्शन भी, तो ये जगह बिल्कुल हेवन की तरह है। लेकिन सुचिन भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। उसने धुआनिया के ऊपर नजर रखने के लिए कैमरा फिट किया था जिससे वो देख सके कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। धुआनिया शावर के बाद एक नर्स की ड्रेस पहनकर आती है जो सुचिन ने उसे दी थी। तभी गेट पर कोई जोर से नॉक करता है। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं कि अगर सुचिन ने गेट नहीं खोला तो वो लोग गेट तोड़ देंगे। सुचिन नहीं चाहता था ऐसा हो। वो गेट ओपन करता है। गेट ओपन होते ही उस पर एक आदमी अटैक करता है, लेकिन सुचिन अब फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे हो चुके थे। वो उस आदमी को पकड़कर बाहर फेंक देता है। सुचिन देखता है कि सब लोग म्यूटेंट में बदल गए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने किसी इंसान को खा लिया है। इस प्रलय में अगर कोई किसी इंसान को खा लेता है तो वो म्यूटेंट बन जाता है। अब सब उस पर अटैक करते हैं लेकिन सुचिन सबको डॉज कर लेता है। इसके बाद जिया भी उस पर अटैक करती है लेकिन सुचिन उसको पकड़ के विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन जिया विंडो को अपने नेल से पकड़ लेती है, मगर बाहर के सनलाइट के कॉन्टेक्ट होते ही उसकी स्किन पूरी बर्न हो जाती है। यहाँ गाओ बोलता है कि सब लोग मिलकर इस पर अटैक करें ताकि उसे गन निकालने का टाइम भी ना मिले। सुचिन को लगता है कि उसे इन लोगों पर अपनी बुलेट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गाओ और उसके आदमी उस पर अटैक करते हैं। तभी अचानक से सुचिन बोलता है कि अगर बात उसकी जान की है तो वो बुलेट वेस्ट जरूर करेगा। इतना बोलते ही वो गांव को शूट कर देता है। यहाँ से उसके तीन आदमी सुचिन पर अटैक करते हैं। सुचिन उन्हें भी शूट करता है लेकिन अब तक म्यूटेंट भी रिकवर हो जाते हैं और गांव उस पर अटैक करता है। सुचिन भी अब उन सबसे एक एक करके फाइट करता है। अब वो गांव को गर्दन से पकड़कर उसे मारने जा रहा होता है कि हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर गैलरी से अंदर आता है। सुचिन उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है कि उसने अभी ये उम्मीद नहीं की थी। जियाओ म्यूटेंट के स्टेज 2 तक पहुंच चुकी थी और ये बोलकर गांव को मार देता है। इसके बाद धुआनिया ये सब देखकर सोचती है कि अगर वो अब कुछ नहीं करेगी तो सुचिन के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगी। उसकी बात सुनकर सुचिन इम्प्रेस हो जाता है लेकिन उसे बीच में आने से मना कर देता है। इसके बाद जियाओ और सुचिन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। सुचिन उसे लड़ने के लिए बिजर्कर एक्टिवेट करता है। जियाओ लड़ते लड़ते उससे हारने लगती है। अपने पावर्स को रिगेन करने के लिए वो अपने एक सबॉर्डिनेट को खा जाती है जिससे उसकी पावर्स डबल हो जाती है। पहले तो सुचिन को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है लेकिन बाद में सुचिन उसे हरा देता है और उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। उसकी रीजनरेटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वो शियाओ के टंग, लेग्स, आर्म्स सभी को बार बार डिस्ट्रॉय करता है। वो उसे काफी तड़पाता है। 16 बार उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लास्ट में उसे मारने लगता है। जिया उससे बोलती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सुचिन सिर्फ एक वर्ड बोलता है, बदला। वो पीछे मुड़कर धुआनिया को देखता है। धुआनिया उसे देखकर काफी डर जाती है लेकिन थोड़ी देर में सुचिन उसे हग करके उसे रिवॉर्ड मांगता है उसकी लाइफ सेव करने का। पता चला कि रात भर टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ गया था जो फ्रेश चिकन लेग्स को सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना रहा था, एक ऐसी चीज जो पूरी बिल्डिंग को बचा सकती थी। उस वक्त लू जियाओफेंग जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टेशन पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, उसने कुछ अजीब नोटिस किया। स्क्रॉचिंग वेदर ठंडा होता दिख रहा था। क्या ये हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स का अंत हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो और सोच पाता, एक बड़ा ग्रुप लोगों का नजदीक वाली गली में दिखाई दिया। कैप्टन, रेस्क्यू स्टेशन की तरफ एक भीड़ आ रही है, किसी ने रिपोर्ट किया। ये सुनकर फीमेल कैप्टन ने मुड़कर देखा लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौंक गई। ये सर्वाइवर्स नहीं है, ये तो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स हैं। उसके पास और सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का होर्ड रेस्क्यू स्टेशन की तरफ चार्ज कर रहा था। ये देखकर फीमेल कैप्टन ने उन्हें सप्रेस करने के लिए फायर खोल दिया और लू जियाओफेंग को स्टेशन पर सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया।
इसी बीच ग्रीन सिटी होटल में ल्यूरुएंस से लिपटने के बाद मैंने बाहर जाने का फैसला किया। सिर्फ मुझे पता था कि लोग जो देख रहे थे वो अपोकलिप्टिक नेचुरल डिजास्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था और मुझे अगले कैटास्ट्रोफी के होने से पहले उस चीज को ढूंढना था। मैंने फिर एक एसयूवी को दूसरे डायमेंशन से निकाला। इस समय मेरी पिछली जिंदगी में बहुत से लोग जो रेस्क्यू स्टेशंस की तरफ जा रहे थे चांदनी से ड्रॉट डेमंस बन गए थे। उनकी ऑब्सेशन ने उन्हें अटैकिंग ज़ॉम्बीज हॉर्ड बनाने पर मजबूर कर दिया, जिसने इस डिजास्टर में कई सिविलियंस और सोल्जर्स को मार दिया और पूरे शहर में कई मिलिट्री वेपन्स बिखेर दिए, जो आखिर में अलग अलग फैक्शन बनने लगे। इसीलिए इस बार जब मैं बाहर गया, मुझे सिर्फ म्यूटेटेड ड्रॉट डेमंस का सामना नहीं करना था बल्कि फायर आर्म से लैस ह्यूमन से भी सावधान रहना था। लेकिन इससे पहले कि मैं और सोच पाता, कुछ जोशीले जवान रास्ते के बीच आ गए। आगे वाली गाड़ी रोको, ये सुनते ही मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी चलाता रहा। जोशीले जवान हैरान रह गए जब मैंने उन्हें कुचल दिया। ये पागलपन है, ऐसे समय में भी लोग लूटने की हिम्मत रखते हैं। कुछ देर बाद मैंने गाड़ी एक गहरे गड्ढे के सामने रोकी। बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह चांदनी की इंटेंस सनलाइट ने दीवारों को क्रैक कर दिया था और ज़ॉम्बी होर्ड के अटैक के साथ मिलकर इसने सबवे स्टेशन को गिरा दिया। अब सबवे स्टेशन में मौत का डंका एटलीस्ट हजारों में है। गड्ढे में खून से लाल आंखों के जोड़े देखकर मैंने एक ठंडी सांस भरी। यहाँ बहुत से ड्रॉट डेमंस हैं, लेकिन सबके सर में क्रिस्टल कोर नहीं है। हर एक का सर तोड़ना टाइम कंज्यूमिंग है। पहले मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए और उस चीज को ढूंढना चाहिए। ये मेरी ग्रेजुएशन के बाद पहली बार है जब मैं स्कूल वापस आया हूँ। जल्द ही मैं स्कूल के लेबोरेटरी बिल्डिंग पहुंच गया और फिर मैंने एसयूवी को वापस दूसरे डायमेंशन में स्टोर कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने लेबोरेटरी बिल्डिंग के दरवाजे खोले और अंदर गया, सिर्फ यही देखने के लिए कि एंट्रेंस पर दो ड्रॉट डेमंस जंजीर से बंधे हुए हैं। फिर एक आदमी जो स्लीपर्स पहने हुए था ठंडे से बोला, बच्चे अगर तुम हमारे इलाके में घुस रहे हो तो तुम्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, अपने बैकपैक का सामान दे दो। मैंने धीरे से अपने बैकपैक से एक चिकन लेग निकाला। बड़े भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जाने दो, मेरे पास फ्राइड चिकन लेग्स है। ये देखकर तीनों की आंखें चमक उठी। ऐसे समय में तुम्हारे पास चिकन लेग्स है, जल्दी से यहाँ फेंको। ये सुनकर मैंने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधा चिकन लेग्स उन तीनों के सामने फेंक दिया। ये देखकर जो कभी मेरे भाई थे तुरंत लड़ने लगे। आखिर दो और आधे दिन से भूखे होने के बाद कौन चिकन लेग का स्वाद नहीं लेना चाहेगा। लेकिन तभी मैंने अपने हाथ में एक स्ट्रिंग धीरे से खींच ली और चिकन लेग वापस मेरे हाथ में आ गया। माफ करो, तुम लोग इस चिकन को खाने लायक नहीं हो। ये सुनकर तीनों ने हथियार उठा लिए और मुझ पर चार्ज कर दिया। तू बदमाश, हमसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, तू मौत मांग रहा है। लेकिन अगले ही पल मैंने सीधा अपना AK-47 निकाल लिया। तीन गोलियां चलाने के बाद मैंने धीरे से ऊपर की तरफ चलाना शुरू किया। अजीब है, मुझे याद नहीं कि इतने सारे बेवकूफ थे, शायद मेरी वार्निंग की वजह से ज्यादा लोग बच गए। कुछ देर बाद मैं हर्पेटोलॉजी के लैब पहुंच गया। फिर मैंने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। हवा में सड़न की बदबू सूंघकर मैं समझ गया कि रिसेंट में कोई इस लैब में नहीं आया था और कई एक्सपेरिमेंटल स्नेक्स भूख से मर गए थे। जल्द ही मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। दो और आधे मीटर लंबा किंग ब्रोकोट स्नेक मेरे सामने था। तो तुम छोटे से अपने साथियों के लाशों को खाकर बचे रहे। मेरी पिछली जिंदगी में ये किंग ब्रोकेड स्नेक पहले जानवरों में से एक था जो अपनी पुरानी रूप में लौटने लगा था और आखिर में इस खतरे का एक प्रमुख बन गया था, जो लगभग मेरी मौत का कारण बना। एक हफ्ते में एक बाधा आने वाली है जब ये फिर से म्यूटेट करना शुरू करेगा, लेकिन ये अनिश्चित है कि इस बार ये कितना रिवर्ट करेगा। अगर मैं तब इसे मात नहीं दे पाया तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन किंग ब्रोकेट स्नेक की समझदार आंखों में देखकर मुझे हैरानी हुई। ऐसा लगता है कि इसने कुछ बुद्धि विकसित कर ली है। मुझे और भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, कॉरिडोर से हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि दो जोशीले जवान हथियारों के साथ छुपके दरवाजे पर आ रहे हैं। अपोकलिप्स में 100 डिग्री तक के हाई टेम्परेचर्स आखिर खत्म हो गए थे जब सब लोग टेरिटरीज के लिए लड़ रहे थे। मैंने उस फीमेल ऑफिसर को ढूंढ लिया था जो सिविलियंस को रेस्क्यू कर रही थी। तभी
जब मैंने स्कूल लेबोरेटरी में किंग ब्रोकेट स्नेक को ढूंढा, अचानक कुछ हथियार बंद गुंडे बाहर आ गए। मैंने उन्हें दरवाजे के बाहर चिल्लाते हुए सुना, अंदर जो भी है अभी बाहर आओ, मैंने तुझे छुपते हुए देखा। सोच कर कि ये किंग ब्रोकेट स्नेक के रिवर्ट होने का एक क्रिटिकल मोमेंट है, मैंने इन ट्रबल मेकर्स से निपटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं कुछ करने वाला था, एक स्पॉन्टेनियस औरत अचानक तीनों गुंडों के सामने आ गई। एजाइल मूवमेंट्स के साथ उसने उन पर चार्ज किया, जल्द से दोनों को चोक होल्ड में दबा दिया। फिर बिजली की तरह तेजी से उसने आखिरी गुंडे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन को एक पल में तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सांस ले पाती, एक बंदूक उसके सर पर पीछे लगी हुई थी। बुरा नहीं था, लेकिन तुम कौन हो? पर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, स्पॉन्टेनियस औरत ने मेरी हैंडगन को एल्बो से हटा दिया। फिर मेरी हैरानी के लिए 2.8 मीटर लंबी टांगे मुझ पर हमला कर गई। मैंने एक सांप सूंघा जब मेरी गर्दन उसकी टांगों के बीच इंस्टेंटली लॉक हो गई। लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो गई कि चाहे जितना भी कोशिश करे, वो मेरी गर्दन नहीं तोड़ पाई। उस वक्त मैंने चुपचाप अपनी जेब से एक और बंदूक निकाली और उसे सबमिशन में मजबूर कर दिया। कुछ मिनट्स बाद मैंने उस औरत को बांध दिया। अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो और स्कूल में क्या हुआ? औरत ने तुरंत अपनी पहचान बताई। मैं बाय कैंग हूँ, कैंगुआ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की कैप्टन। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तमीज से पेश आओ और मुझे तुरंत छोड़ दो। ये सुनकर मैंने पूछा, तो तुम कैंगुआ टीम के लू ज़ियाओफेंग को जरूर जानती होगी? बाय चैंग हैरान होकर बोली, तुम कौन हो? तुम ज़ियाओफेंग को कैसे जानते हो? मैंने बस मुस्कुराया, मैंने उसकी जान बचाई थी। बाय चैंग ने मुझे बताया कि कैसे ज़ोंबी होर्ड ने उनके रेस्क्यू स्टेशन पर अटैक किया था और कैसे उसने लू ज़ियाओफेंग को सिविलियंस को पहले सेफ जगह पर इवैक्यूएट करने के लिए कहा था। लेकिन एक्सपेक्टेशन से अलग, जेल से भागते हुए कैदी भीड़ में घुल मिल गए थे। अब ये क्रिमिनल्स पूरे स्कूल पर कब्जा कर चुके हैं, सिर्फ उनके हथियार चुरा कर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को होस्टेज बनाकर भी। पूरी स्थिति को समझने के बाद मैंने बाय चैंग के रस्सी को खोल दिया और फिर उसे एक बंदूक दी। मुझे अब अपने काम करने हैं, ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बस थोड़ा फायर पावर सपोर्ट दे सकता हूँ। ये कहकर मैंने अपने हाथ से इशारा किया, तुम अब जा सकती हो, मुझे फिर से परेशान मत करना। लेकिन बाय चैंग ने कहा कि उसका इरादा थक्स के डेरे पर स्टेल्थ अटैक करने का है, सिर्फ उनके लूट किए गए मटेरियल्स को वापस पाने से ही स्कूल में फंसे लोग बच सकते हैं। ये सुनकर मैंने तुरंत अपने कदम रोके और धीरे से अपने बैकपैक से एक स्नाइपर राइफल निकाला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी बीच स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थक्स का लीडर अपने अंडरलिंग से पूछ रहा था, क्या तुमने उस औरत को ढूंढ लिया? डॉर्मिटरी बिल्डिंग का क्या हाल है? अंडरलिंग्स ने जल्दी जवाब दिया, गोजी और कुछ और लोग उस औरत को ढूंढने गए हैं और हमारे लोग दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस बार हम जरूर डॉर्मिटरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर लीडर कहता है, अच्छा उन लोगों को आगे भेजो, अगर किसी को मरना है तो पहले वो मरे। लेकिन उसके बोलते ही कमरे का दरवाजा अचानक से किक करके खुल गया। फिर मैंने अंदर सबको ठंडे से कहा, माफ करना तुम्हारी मीटिंग को रोक रहा हूँ। अंडरलिंग तुरंत चैलेंज करते हुए बोला, ये बेवकूफ कौन है जो जीना नहीं चाहता? बाहर 20 से ज्यादा लोग गार्ड कर रहे हैं, तुम अंदर कैसे आ गए? मैं कैसे आया? बस ऐसे, मैंने अपना हाथ उठाया और एक शूटिंग गेस्चर बनाया। अगले ही पल अंडरलिंग का सर अचानक से तरबूज की तरह फट गया। ये देखकर सबके चेहरे पर घबराहट थी, क्या हुआ? उसका सिर सिर्फ पॉइंट करने से कैसे फट गया? उस वक्त मैंने भीड़ को धमकी दी, तुम सब यहीं रहो और हिलना मत, वरना अगला फूलने वाला सर तुम्हारा होगा। लीडर गुस्से में था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी उसकी। इसी बीच एक नजदीक के रूफटॉप से बाय चैंग स्कोप के थ्रू रूम की स्थिति स्कैन कर रही थी और ईयरपीस से मुझे रिपोर्ट कर रही थी, जिसे मैंने स्नाइप किया था। उसके अलावा रूम में अब भी 20 से ज्यादा थक्स हैं। तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा कि जल्दबाजी ना करो। याद करते हुए कि मैंने अपने आप को बेड बनाने का सुझाव दिया था ताकि दुश्मन को बाहर निकाल सके, बाय चैंग ने बेचारी सी सांस ली और बोली, मैंने ऐसे बेकार प्लान को कैसे मान लिया? चाहे वो कितना भी स्किल्ड हो, इतने सारे लोगों को अकेला संभाल पाना नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले कि वो सोच पाती, उसने देखा कि किसी ने अचानक से कमरे में पर्दे खींच दिए। बाय चैंग ने तुरंत मुझसे पूछा, पर्दे अचानक से क्यों बंद हो गए? वहाँ अब क्या हो रहा है? लेकिन अगले ही पल एक थक की आवाज ईयरपीस से सुनाई दी, बच्चे ये मत सोचना कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने बाहर एक स्नाइपर सेटअप किया है, तुम जो चाहे कर सकते हो। अब देखते हैं कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं। बाय चैंग ने तुरंत अपने स्नाइपर राइफल उठाई और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ दौड़ गई। जैसा सोचा था, उन्हें पता चल गया, समय बर्बाद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। वो सिर्फ आधे रास्ते ही दौड़ी थी, ईयरपीस से फिर एक आवाज सुनाई दी, इस बच्चे को मार डालो। ये सुनकर बाय चैंग ने अपने कदम और तेज कर दिए और कुछ सेकंड्स बाद वो ऑफिस के दरवाजे के अंदर घुस गए। मैं तुम्हारा बदला लेने आई हूँ।
लेकिन उसने देखा कि मैं थग लीडर को गर्दन से पकड़कर कह रहा था, तुम देर से आई हो, यहाँ के सप्लाईज पहले ही खत्म हो चुके हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते वरना मेरे पीछे के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसकी गर्दन तोड़ दी। जल्द ही वो लोग तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। ये देखकर कि मैंने पूरे कमरे के थग्स को निपटा दिया, बाईचैंग हैरान थी। आखिर एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की कैप्टन होने के नाते वो इतनी जल्दी पूरे कमरे के लोगों को रिजॉल्व नहीं कर सकती थी। उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर मैंने समझाया कि मैं हमेशा ट्रेनिंग करता हूं और यहां के सप्लाईज पहले ही उन लोगों ने कंज्यूम कर लिए थे, शायद भूख की वजह से उनमें एनर्जी नहीं बची थी। ऑफ कोर्स मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैंने पहले से ही सारे सप्लाईज ले लिए थे। नेचुरली अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। हम अब गर्ल्स डॉर्मेटरी जा रहे हैं। मैंने उनसे अभी कम्युनिकेट किया और लू ज़ियाओफेंग और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठा है, बाईचैंग ने अनाउंस किया। जैसे ही हम चले गए, एक बॉडी जो सीलिंग से लटक रही थी अचानक से हिलने लगी। अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी आँख खोली। जल्द ही एक आदमी जो मास्क पहने हुए था और उसके साथ कुछ अंडरलिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आए। उसने मटर किया, वो आदमी फिर से परेशानी मचाने चला गया है, पता नहीं इस बार वो मरा है या नहीं। लेकिन उसने जल्द ही नोटिस किया कि जो औरत ऑफिस में लटक रही थी वो अब भी जिंदा थी और उसने तुरंत अपने लोगों को उसे बचाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने उस औरत से कहा, तुम यहाँ दो और आधे दिन से क्रिमिनल बनकर लटक रही हो, क्या तुम्हें वो फीलिंग मिली जो तुम ढूंढ रही थी, मौत के करीब होने का एहसास? स्टील फैंग, मुझे तुम्हारी कम्फर्ट चाहिए। ये सुनकर मास आदमी ने एक कांटे वाली विप निकाली। ठीक है सिस्टर, ना ग्लोरियस एवोल्यूशन के लिए तैयार हो जा। उसने उसकी पीठ पर जोर से मारना शुरू किया। दो और आधे मिनट के मारने के बाद सिस्टर ना ने एक एंजॉयमेंट का चेहरा दिखाया। इस बार ये सही लग रहा है, मैं इवॉल्व होने से दूर नहीं हूँ। सब्सिक्वेंटली मास्क आदमी ने सिस्टर ना से पूछा, तो किसने मेरे सप्लाई चुराए, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे सजा देना चाहता हूँ। ये सुनकर सिस्टर ना का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वो आदमी एक शैतान है, उसका नाम सूचन है। इसी बीच गर्ल्स डॉर्मिटरी बिल्डिंग में लू ज़ियाओफेंग ने मुझे और बाईचैंग को कुछ सरप्राइज के साथ देखा। ये अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। बाईचैंग, तुम सूचन के साथ कैसे हो? मैंने उसकी घाव की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ज़ियाओफेंग, तुम्हारा चोट काफी गंभीर लग रहा है, मुझे देखने दो। घाव देखने के बाद मैंने तुरंत पहचाना कि ये एक मॉन्स्टर जिसे कैन क्लैन कहते हैं, उसके स्क्रैच का निशान है। उनके क्लॉज में वायरस और बैक्टीरिया होते हैं और अगर तुरंत दवाई से इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। लू ज़ियाओफेंग बस चुप रहा क्योंकि मेडिसिन अब बहुत स्केयर रिसोर्स हैं और आसानी से मिलना लगभग नामुमकिन है। मैंने उसे एक ढेर मेडिसिन दी। ज़ियाओफेंग, ये लो, ये काफी होनी चाहिए। दोनों लू ज़ियाओफेंग और बाईचैंग शॉक थे। सूचन, तुम्हें ये सारी मेडिसिन कहाँ से मिली? मैंने बस हल्का सा मुस्कुराया। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं ज़ियाओफेंग का लाइफ सेवर हूँ। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद है, एक आदमी जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में था, एक ह्यूमन शेप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर की फोर्स जिसे पी गॉड कहते हैं, अगर वो आदमी लू ज़ियाओफेंग है तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा। उस वक्त लू ज़ियाओफेंग धीरे से बोला, सूचन, मैं तुम्हारा एक और एहसान मंद हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे दवाई देने नहीं आए हो, तुम्हारे दिमाग में और क्या है? मैंने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, एक बड़ी बाधा जल्दी आने वाली है और तुम सबको जल्द से ऊंची जगह पर इवैक्यूएट करना होगा। एक्सट्रीम हीट ने ग्लेशियर्स को तेजी से पिघला दिया है जो जल्दी सी वाटर के सर्च का कारण बनेगा और पूरा स्कूल डूब जाएगा। लेकिन मेरे शब्दों का विरोध एक लड़की ने किया जो पास ही थी। सूचन, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बाढ़ कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है तुम बस हमें धोखा देना चाहते हो और स्कूल के रिसोर्सेस को अपने कब्जे में लेना चाहते हो। बोलने वाली मेरी क्लासमेट फैंग किन थी, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक वेल नोन फेमिनिस्ट थी और एक रिच सेकंड जनरेशन जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना पसंद करती थी। फिर उसने मेरे हाथ में बैकपैक की तरफ देखा। सूचन, तुम्हारा बैग इतना भरा हुआ है, क्या इसमें बहुत सारा खाना है? मेरा जवाब का इंतजार किए बिना उसने बैकपैक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल मैंने उसे थप्पड़ मारा और उसे कई मीटर दूर भेज दिया। फैंग क्विंग के चेहरे पर डिसबिलीव था जब एक दांत धीरे से उसके मुंह से गिर गया। आखिर वो स्कूल में एरोगेंट और ओवर बियरिंग होने की आदत डाल चुकी थी और सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे मारूंगा। आसपास के मेल स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके परिवार के पास कुछ गंदा पैसा है। वो स्कूल में रोज परेशानी मचाती है और एक डॉर्म रूम को अपने अकेले के लिए मोनोपोलाइज करती है।
हम उसे कब से तंग आ चुके हैं। फ्रैंकुइंग तुरंत गालियां देने लगी, तुम नीच लोग, मुझे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे करते हो। मैं अभी अपने पापा को ढूंढने जा रही हूँ और वो तुम सबको मार देंगे। वो गर्ल्स डॉर्मेटरी से बिना पीछे देखे बाहर चली गई गालियां देते हुए। इस देश के सभी आदमी नीच हैं, खास करके वो सूचन। वो विदेशी जेंटलमैन से कंपेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन वो दूर नहीं गई थी, मास्कमैन ने उसे पकड़ लिया। स्वीटी, जल्दी से मुझे बताओ सूचन कहाँ है। दूसरी तरफ बाईचैंग और बाकी लोगों के लिए कुछ सप्लाइज छोड़ने के बाद मैं गर्ल्स डॉर्मिटरी से निकल गया। आखिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी है कि किंग ब्रोकेट स्नेक के म्यूटेट होने का इंतजार करना और फिर उसे हार्वेस्ट करना। शायद हाइड्रोकिनेसिस पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल सके। लेकिन मैं थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे मदद की आवाज सुनाई दी। सूचन, मुझे बचाओ। मैंने देखा फैंकिन एक ट्रक के सामने लटक रही थी और उसके पीछे वही मास्क मैन था। उस वक्त मास्क मैन ने मुझे देखा और ठंडे से कहा, मैं स्टील फैंग हूँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से। क्या तुम सूचन हो? मुझे लगा तुम कोई हीरो हो जो हमारे सप्लाईज चुरा रहा है। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। तुम फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से हो? स्टील फैंग ने ट्रक के ट्रंक को थपथपाया। मैंने तुम्हारी मुलाकात के लिए एक खास गिफ्ट भी तैयार किया है। उसके शब्दों के गिरते ही ट्रंक का मेटल डोर जोर से खुला और अगले ही पल हजारों ड्रॉर डेमन्स धीरे धीरे बाहर आए। स्टील फैंग ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा? लेकिन हजारों ड्रॉर डेमन्स का सामना करते हुए मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। ये रहा, पहली बार जब मैंने अपनी ताकत दिखाई मैंने सबको डरा दिया था। सिर्फ एक स्लैश से मैंने तुरंत 100 से ज्यादा ज़ोंबीज को मार दिया और एवोल्यूशन बेस से उन्हें उखाड़ दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गर्ल्स डॉर्मिटरी बिल्डिंग के अंदर बाईचैंग और लू ज़ियाओफेंग लोगों को सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार कर रहे थे, जब उन्हें अचानक से बाहर ड्रॉर डेमन्स की गरज सुनाई दी। बाईचैंग ने तुरंत ली ज़ियाओफेंग को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, जबकि वो बाहर जाने लगी इन्वेस्टिगेट करने। इस बीच डॉर्मिटरी बिल्डिंग के बाहर स्टील फैंग मुझे देखकर ठंडे से हंसा, सूचन वो लड़की तुम्हारी क्लासमेट है, तुम्हें हीरो बनने का और ब्यूटी को बचाने का मौका दूं? बस घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फैंकिंग तुरंत एक्साइटेड हो गई, ये अच्छा है, सूचन जल्दी से घुटने टेक दो, मुझे जल्दी बचाओ। लेकिन मैंने बस मुस्कुराया, तुम्हें बचाना नामुमकिन है लेकिन मेरे पास एक सवाल है। ये सुनकर फैंकुइन रुक गई, और वो क्या सवाल है? बकवास बंद करो और मुझे बस बचाओ। फैंकुइन और ज्यादा एजिटेटेड हो गई, क्या तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? तुम नीच आदमी, क्या ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ बंदी हूँ? जल्दी से घुटने टेक कर मुझे बचाओ, क्या तुम आदमी हो? मैं बस आराम से हंसा, बिल्कुल मैं आदमी हूँ, बस ये दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें बचाने लायक नहीं हूँ। मैं अभी उन विदेशी जल्टनमैन से कांटेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार हैं। फैंकुइन तुरंत गुस्से से फट गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें नीच आदमी कहा? तुम ऐसे बदला लेना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? ये बस ये साबित करता है कि तुम पूरी तरह से नीच आदमी हो। मुझे तुम्हारे जैसे नीच आदमी की जरूरत नहीं है मुझे बचाने के लिए। लेकिन मैंने बस उसके नीचे की तरफ से इशारा किया, ऐसा है तो मुझे उम्मीद है कि तुमने जो भी अभी कहा उसे याद रखोगी। फैंकुइंग ने नीचे देखा सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके आसपास डजन्स ऑफ ज़ॉम्बीज पहले से ही घेर रहे थे। अगले ही पल उसने दिल को चीर देने वाली चीख मार कर मदद मांगी, सूचन मैं गलत थी, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन इससे पहले कि फैंकुइंग अपनी प्ली को पूरी कर पाती, होड ने उसे पहले ही चीर दिया। ट्रक पर स्टील फैंग ने मुझे एक चालाक मुस्कुराहट के साथ देखा, तुम सच में वो हो जो किसी को मरते हुए देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्द ही उसके साथ मिल जाओगे। उसने एक बॉक्स ब्लैक पाउडर निकाला और अपने चेहरे पर लगाया, अब मैं तुम्हें हमारी फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ, बस इस पाउडर को अपने ऊपर लगाओ और ये मॉन्स्टर तुम्हारी बात मानेंगे। मैं लगभग जोर से हंस पड़ा, ज़ोंबी फीसेस को अपने ऊपर लगाना? ये सच में मुझे तुम्हें अपना समझने पर मजबूर कर सकता है। स्टील फैंग हैरान हो गया, ये तो सच में शिट है। फिर उसने गुस्से से पाउडर को फेंक दिया और 3 बार थूक दिया। उसके बाद उसने होड को ऑर्डर दिया, अटैक, इस बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दो। होड को मुझ पर झपटते हुए देखकर मैंने तुरंत अपने हाथ फैला दिए और अगले ही पल मैंने दूसरे डायमेंशन से 2 बड़े तलवार निकाले और एक रोशनी की धार बनकर होड में चार्ज कर दिया।
स्टील फैंग के रिएक्ट करने से पहले ही मैं उसके सामने था। मैं कभी तुम्हारे फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन के साथ लेना देना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मारने पर जोर दिया। ये कहते हुए मैंने स्टील फैंग को उसके स्टील टीथ से पकड़ लिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस तुम्हें मरने के लिए कहना पड़ेगा। फिर स्टील फैंग के शॉक्ड गेज के नीचे मैंने उसका सर उखाड़ दिया। ये देखकर बाई चैंग लगभग अपने आप को गीला कर बैठी। उसने फाइट को तुरंत खत्म कर दिया। ये सिर्फ ट्रेनिंग से अचीव नहीं किया जा सकता, सूचन किसी तरह का मॉन्स्टर है। स्टील फैंग से निपटने के बाद मैं शांत रहा। इन छोटी मछलियों से निपटने के लिए भी कुछ रिस्ट्रेंट चाहिए, एक केपेबल असिस्टेंट होना अच्छा होगा। इसी बीच ग्रीन सिटी होटल में दुआनिया अचानक अपनी नींद से जाग गई। बाहर आवाज सुनकर उसने तुरंत समझ लिया कि ज़ॉम्बीज उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। याद करते हुए जो मैंने पहले कहा था कि सिर्फ यूजफुल लोग मेरे साथ रहने लायक हैं, दुआनिया ने तुरंत अपने पास रखी हैंडगन उठाई। सूचन, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी राइट हैंड मैन बनना चाहती हूँ। फिर दुआनिया हैंडगन के साथ एक एक कमरा चेक करने लगी, लेकिन दो और आधे मिनट तक भटकने के बाद उसने ज़ॉम्बीज का कोई निशान नहीं देखा। तभी अचानक उसके पीछे से एक ग्रॉल सुनाई दिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी छुपके उसके पीछे आ गया था। अपने स्केप रूट को एक टेबल से ब्लॉक देखकर दुआनिया ने जल्दी से हैंडगन उठाई ताकि ज़ॉम्बी से निपट सके, लेकिन अपनी नर्वसनेस के कारण हैंडगन गलती से पास रखे स्टूल से टकरा गई और तुरंत टेबल पर गिर गई। जैसे ही ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला ताकि उसे काट सके, दुआनिया बस अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन से अलग ज़ॉम्बी ने उस स्टूल को काट लिया जिसने आवाज की थी। ये देखकर दुआनिया कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हो रहा है, इसने मुझे क्यों नहीं काटा? नजदीक से देखने पर उसने समझा कि ज़ॉम्बी अंधा था। ये देखकर दुआनिया ने अपनी सांस रोकी और अपने शरीर को छोटा किया ताकि वो कोई आवाज न करे। फिर उसने अपने पास रखी हैंडगन की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर वो बस हैंडगन तक पहुंच सके तो वो अपने सामने वाले ज़ॉम्बी से निपट सकती थी। सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर हैंडगन से दूर टेबल ने ज़ॉम्बी के इंपैक्ट के कारण आवाज की। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत आवाज के सोर्स की तरफ काटने लगा। क्रिटिकल मोमेंट पर दुआनिया ने जल्दी से ज़ॉम्बी के सर पर किक मारा, लेकिन किक ने ज़ॉम्बी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर दुआनिया अपनी हाई हील उतार कर और किक देने लगी, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसका एंकल पकड़ लिया, उसे इमोबिलाइज कर दिया। मजबूरी में दुआनिया ने अपने दूसरे पैर से ज़ॉम्बी के सर पर जोर जोर से किक मारना शुरू किया। 2.5 मिनट के किकिंग के बाद ज़ॉम्बी ने आखिर सांस लेना बंद कर दिया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर दुआनिया ने सांस भरी। सूचन, ये अफसोस की बात है कि तुमने ये नहीं देखा, मैं कोई बेकार कचरा नहीं हूँ। फिर उसने जमीन से एक फायर एक्स उठाया और ज़ॉम्बी के पास गई। देखते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कोई क्रिस्टल है या नहीं। इस बीच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गर्ल्स डॉर्मेटरी में बाईचैंग और लू ज़ियाओफेंग मेरे सलाह पर स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने लगे। बाईचैंग ने तुरंत अपने भाई बाईमिंग से कांटेक्ट किया ताकि ट्रूप्स को लीड करके स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर कर सके। बाईचैंग को इधर उधर देखते हुए बाईमिंग हंसा। वो हैंडसम यंग मैन सूचन को छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्या? चलो जल्दी से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करते हैं। जब अगला ज़ॉम्बीज का वेव आएगा, सूचन यहाँ अकेला रहकर जरूर मर जाएगा। लेकिन बाईचैंग ने अपने भाई की राय को सीधा कॉन्ट्रडिक्ट किया। सूचन नहीं मरेगा। पहली बार जब मैंने उसे देखा, मुझे उसकी ताकत महसूस हुई। वो गहरी मिस्टीरियस आंखें मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे वो लगभग एक मॉन्स्टर हो। इसी बीच हर्पेटोलॉजी लेबोरेटरी में मैंने अपने सामने किंग ब्रोकेट स्नेक को देख कर बोला, देखते हैं तुम अब कितना म्यूटेट कर सकते हो। फिर मैंने एक बकेट पानी लाकर उसके सामने रखा। पानी किंग ब्रोकेट स्नेक के म्यूटेट होने के लिए जरूरी कंडीशन है। जैसे ही किंग ब्रोकेट स्नेक ने पानी को छुआ, उसका शरीर एक ड्रास्टिक म्यूटेशन से गुजरा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में किंग ब्रोकेट स्नेक एक फ्लड ड्रैगन में इवॉल्व हो गया और बकेट उसके मैसिव बॉडी के स्ट्रेन के नीचे डिफॉर्म होने लगा। अगले ही पल बकेट जोर से एक्सप्लोड कर गया और म्यूटेटेड किंग ब्रोकेट स्नेक मेरे सामने आया। मैं हैरान हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ इनिशियल म्यूटेशन इतना मैसिव हो सकता है। शुक्र है मैंने सिर्फ एक बकेट पानी दिया। अगर ये फ्लड डिजास्टर के दौरान होता तो इसका साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता। लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या तुम मेरे आदेश मानोगे
और मैं तुम्हें एक पेट के रूप में रखने पर विचार कर सकता हूँ। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया ही था कि किंग ब्रोकेट स्नेक जल्दी से विंडो की तरफ भाग गया। ये देखकर मैंने अपने आप से बोला, ये भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस प्राणी में सोचने की इंटेलिजेंस विकसित कर ली है। किंग ब्रोकेट स्नेक ने लेबोरेटरी विंडो को तोड़ दिया और भाग गया। मैं एक लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़कर जल्दी से उसके पीछे गया। तुम्हें म्यूटेट करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दे सकता। फिर मैंने अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड उठाया और किंग ब्रोकेट स्नेक के पूछ पर वार कर दिया। लेकिन एक्सपेक्टेशन से अलग उसके स्केल्स इतने हार्ड थे कि स्वॉर्ड कांटेक्ट पर ही टूट गया। किंग ब्रोकेट स्नेक ने मौका पकड़कर अपना मुंह खोला ताकि मुझे काट सके। मैंने जल्दी से डॉज किया और उसके ऊपर चला गया। जब स्वॉर्ड बेकार है तो मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। ये कहकर मैंने एक जोर से पंच मारा जो तुरंत किंग ब्रोकेट स्नेक को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन उस वक्त स्नेक का शरीर अचानक से मुझे लपेट लेता है। मुझे पल भर में टाइटली बांध दिया। मैं किंग ब्रोकेट स्नेक की इंटेलिजेंस की तारीफ किए बिना रह नहीं सका। तुम्हारा अटैक सिर्फ एक फेंट था। तुम्हारा असली इरादा मुझे स्ट्रैंगुलेट करने का था, है ना? किंग ब्रोकेट स्नेक ने मुझे और बोलने का समय नहीं दिया और अपना मुंह खोलकर मुझे फिर से काटने लगा। लेकिन अगले ही पल मैंने उसका मुंह मजबूती से पकड़ लिया। तुम सच में स्मार्ट हो, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने सभी कोशिश बेकार है। कहते हैं कि स्नेक्स के नर्व्स हाईली डेवलप्ड होते हैं और वो अपना सर कटने के बाद भी काट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो, ये कहते हुए मैंने किंग ब्रोकेट स्नेक को पकड़कर उल्टा कर दिया। फिर मैंने उसके अपर जॉ पर पैर रखा और फोर्स से उसके लोअर जॉ को खींचकर उसका मुंह तोड़ दिया। किंग ब्रोकेट स्नेक से निपटने के बाद मैंने सीधा उसके सर से एक क्रिस्टल न्यूक्लियस निकाला। मुझे ये देखने का इंतजार है कि ये क्रिस्टल न्यूक्लियस मुझे किस तरह का बदलाव देगा। रात भर में दुनिया बाढ़ से डूब गई और सब लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पर भागने की इच्छा कर रहे थे। लेकिन मैंने जानबूझकर गहरे समुद्र में डाइव किया। पता चला कि 100 डिग्री अपोकलिप्ट हीट के अंत के बाद इंसानियत को रीबर्थ नहीं बल्कि एक बाढ़ डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। अगर एक्सट्रीम हीट ने इंसानी इच्छा को कमजोर कर दिया था तो ग्लोबल फ्लड ने पूरी तरह से इंसानी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया। लेकिन जब सब लोग पैनिक में भाग रहे थे, मैंने जानबूझकर गहरे समुद्र में डाइव किया। गोल्डन किंग स्नेक के क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे एक नई एबिलिटी मिली। मेरा स्किन पानी के कांटेक्ट में आते ही छोटी स्किल डेवलप करता है जो न सिर्फ मेरे डिफेंस को बहुत एनहांस करता है बल्कि मेरी आंखों को रोशनी के लिए बहुत सेंसिटिव बना देता है। जो चीज मुझे और ज्यादा सरप्राइज करती है वो ये है कि मुझे पानी में अपनी नाक या मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरा स्किन मेरे लिए सांस ले रहा है। ये हाइड्रोकिनेसिस तो नहीं है, लेकिन पानी के नीचे फ्रीली सांस लेना काफी रिमार्केबल है। अब बाढ़ ग्रीन सिटी होटल के पास समुद्र से आ रही थी और उसकी फोर्सेस डेब्रिस के साथ डेंजरस है जो पानी में हिडन वेपन की तरह काम कर रहे हैं। अपस्ट्रीम स्विम करना बहुत मुश्किल बना रहे हैं। इसके अलावा एक वॉल्केनिक इरप्शन अपोकलिप्स भी जल्द आने वाला है और मैसिव अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक एश स्काई को ऑब्स्क्योर कर देगा जो न्यूक्लियर विंटर का एडवेंट लाएगा। इन अपोकलिप्स के सामने इंसानी सिविलाइजेशन सिर्फ एक मजाक है। अगर तुम चॉपिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह खत्म नहीं होना चाहते तो अपनी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली एनहांस करनी होगी। मेरे पिछली जिंदगी में बाढ़ डिजास्टर के बाद कमर्शियल कैपिटल में कई पावरफुल फैक्शन उभर के आए। शहर के नॉर्थ में जो लो लाइंग टीरेन है वो गोल्डन किंग स्नेक और फीमेल कॉर्प्स कंपनी की और फीमेल कॉर्प्स किंग की आर्मी के पानियों से डोमिनेट हो गया। साउथ में डिवॉवर क्लैन के कैनिबलिस्टिक ट्राइब्स ने कब्जा कर लिया जहां से गुजरते हुए कोई भी अपनी स्किन के लेयर्स खो देता। वेस्ट को रैट किंग और उसकी बिलियन स्ट्रॉन्ग रैट आर्मी ने कंट्रोल कर लिया और ईस्ट को स्किल क्रशर गांव कियांग और दुआनिया ने कब्जा कर लिया। मेरे पिछली जिंदगी में मैं इन चार पावर्स के हाथों कई बार मरने के करीब था। अब जब गाओ क्वेंग और गोल्डन किंग स्नेक से मैं पहले ही निपट चुका हूँ, अगर मुझे पावरफुल रहना है तो मुझे रैट किंग, फीमेल कॉर्प्स किंग और डिवॉवर क्लैन के लीडर का क्रिस्टल कोर पाना होगा। लेकिन डिवॉवर क्लैन के साथ उनके न्यूमरस नंबर्स और कॉम्प्लेक्स अलायंसेस के साथ डील करना मुश्किल है। फीमेल कॉर्प्स किंग एल्यूसिव है और लगभग इम्पॉसिबल टू फाइंड है, इसीलिए रैट किंग मेरा पहला टारगेट बन गया है। मेरी पिछली जिंदगी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ब्लॉग था तो रैट किंग वहां जरूर होगा। अगर मैं उसे जल्दी ढूंढ सकूं तो मैं उसका क्रिस्टल कोर मिनिमल एफर्ट के साथ पा सकता हूं। जब मैं अपने अगले मूव के बारे में सोच रहा था, काउंटलेस वाटर ज़ॉम्बीज ने मुझे घेरा हुआ था। इसी बीच एक सिग्नल टावर के ऊपर एक गंजा आदमी ओवरवेलमिंग फ्लड को शॉक में देख रहा था। एक रात में इतनी बड़ी बाढ़ कैसे इरप्ट हो गई?
लेकिन अचानक उसने कुछ नोटिस किया। ब्रो वहाँ देखो, ऐसा लगता है कोई पानी में हमारी तरफ स्विम कर रहा है। ये सुनकर पतला आदमी पानी की तरफ देखता है। क्या ये सूचन नहीं है? वो बच्चा फ्लड में डूबा नहीं? अगर बेस ने हमें इस आदमी पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा होता तो हम इस बाढ़ का सामना नहीं करते। अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे वापस पानी में किक कर दूंगा। उस वक्त गंजा आदमी कंटिन्यू करता है, ऐसा लगता है कि उस आदमी के पीछे एक बंच ऑफ चीजें फॉलो कर रही हैं। जैसे ही वो करीब आए उन्होंने देखा कि एक लार्ज फॉर्म ऑफ डार्क वाटर ज़ॉम्बीज मुझे फॉलो कर रहे थे। जो चीज उन्हें और ज्यादा शॉक करती है वो ये कि मैं अपस्ट्रीम स्विम कर रहा था लेकिन मेरी स्विमिंग स्पीड वर्ल्ड चैंपियन से कम नहीं थी। ये देखकर गंजा आदमी जल्दी से वार्निंग शाउट करता है, सूचन हम फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से हैं। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि करीब मत आओ। लेकिन जैसे ही उसका शब्द खत्म हुए पानी में ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया और एक ने गंजे आदमी के एंकल पकड़कर उसे पानी में खींच लिया। ये देखकर पतला आदमी पैनिक में चीखा, डरो मत भाई, मैं तुम्हें अभी बचाने आ रहा हूँ। ये कहकर उसने पानी में एक स्प्लैश के साथ छलांग लगाई लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने उसे बचाया और ज़ॉम्बी के टुकड़े कर दिया। फिर पानी में एक स्लॉटर के देवता की तरह मैंने तुरंत होर्ड की तरफ डाइव किया। ये सीन देखकर भाइयों ने कहा, क्या ये आदमी इंसान भी है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करने और दोनों आदमियों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद पतला आदमी आके धीरे से बोला, तुमने हमारी जान बचाई, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो भी मुझे पता है। असल में हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन ने तुम्हें मॉनिटर करने के लिए भेजा था। फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन का हेडक्वार्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर है जो चीफ लियू के एक लेबोरेटरी में रिसर्चर्स के ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। हम सिर्फ अंडरलिंग्स हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा था, मेरी पिछली जिंदगी में भी साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ब्लॉक फैला था। ऐसा लगता है कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से क्लोजली कनेक्टेड है। फिर मैंने पतले आदमी से पूछा, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लैब्स में रैट म्यूटेशन पर रिसर्च हो रही है? पतला आदमी अपना सर हिलाते हुए बोला, सिर्फ रिसर्चर्स को लैब में जाने की अनुमति है, हमें सच में इसके बारे में नहीं पता है। ये सुनकर मैंने आगे और नहीं पूछा, अब मुझे खुद देखने के लिए अंदर जाना होगा। मुझे प्लेग फैलने से पहले एक्ट करना होगा। इसी बीच ग्रीन सिटी होटल में धुआनिया ने भी एक ज़ॉम्बी के दिमाग से एक क्रिस्टल कोर हासिल कर लिया था लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब किया और देखा कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बिना जाने की खतरा चुपके से उसके करीब आ गया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।